गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है। इस अध्याय में कुछ टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुके हैं। इसमें मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोलों का इतिहास, चोल साम्राज्य अपने आप में दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चोलों के बारे में हमें जानकारी है वो सबसे पहले कहाँ मिलती है? पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण ग्रंथ है, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि ने ग्रंथ की रचना की थी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से हमें चोलों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? कात्यायनीकृत वार्तिका महाभारत, महाभारत में भी हमें चोलों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाभारत यानी चोल जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, महाभारत। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य, संगम साहित्य जो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया संगम साहित्य है। इसके अतिरिक्त टालमी का भूगोल है, टालमी ने जो ग्रंथ लिखा है उससे भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। जो चोल राजवंश था वो आधुनिक, जो चोल राजवंश था आधुनिक कावेरी नदी, मुख्य रूप से तमिलनाडु में, तमिलनाडु कावेरी, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जो कर्नाटक तक आ जाता है, कोरोमंडल तट और त्रिचनापल्ली जो तमिलनाडु में, त्रिचनापल्ली एवं तंजोर, जिसे हम तंजावुर भी कहते हैं, तंजोर तक विस्तृत था। तंजोर तक ये साम्राज्य था वो विस्तृत था। तो चोलों के बारे में हमें जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से, जो संस्कृत का ग्रंथ है। इसके अलावा महाभारत से हमें चोल साम्राज्य की प्राचीनता के बारे में पता चलता है। इसके अतिरिक्त जो तमिल भाषा में लिखा गया जो संगम साहित्य उससे भी हमें, इसके अतिरिक्त टालमी के ग्रंथ से हमें कावेरी नदी के तट तक चोल साम्राज्य फैला हुआ था, टालमी के ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। जो चोल साम्राज्य था वो कावेरी नदी तट, कोरोमंडल तट जो कर्नाटक और गोवा तक विस्तृत होता है, त्रिचनापल्ली जो कि तमिलनाडु में है, एवं तंजावुर जिसे हम तंजोर या तंजावुर कहते हैं, यहाँ तक ये साम्राज्य था वो विकसित था, इसका विस्तार था वो अति प्राचीन माना जाता है। तो साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि पहली, इनकी पहली चोलों की पहली राजधानी कौन सी थी? उत्तरी मनलूर थी। उत्तरी पहली प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर, मनलूर थी, जो बाद में उरेयूर तथा बाद में उरेयूर या तंजोर या जिसे हम तंजावुर कहते हैं, तंजावुर है वो चोलों की राजधानी है वो बन गई। चोलों का जो शासकीय चिन्ह है वो बाघ का चिन्ह माना जाता है। जो चोलों का राजकीय चिन्ह या शासकीय चिन्ह था वो बाघ था, शासकीय, शासकीय जो चिन्ह है वो बाघ को माना जाता है, बाघ, शेर, बाघ जो अपनी ताकत, अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध था। तो जैसा आपको पता है चोल साम्राज्य अति प्राचीन था,
चोलों का इतिहास हमें मौर्य काल से भी पता लगता है। तो मौर्य काल से पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ, उससे हमें चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अति प्राचीन महाभारत में भी चोलों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था, इसके अतिरिक्त टोलमी के ग्रंथ से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कावेरी नदी घाटी, कोरमंडल तट, तिरुचनापल्ली जो कि तमिलनाडु में, तंजोर तक ये साम्राज्य विस्तृत था। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो मनलुरु थी, उरोयूर या तथा बाद में तंजोर या तंजावुर है वो इसकी राजधानी, वो कालांतर में बनी। चोलों का जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था। बाघ है वो अपनी मजबूती के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपनी बेजोड़ शक्ति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसी प्रकार तंजोर जो चोल थे या तंजोर के जो चोल थे वो अपने आप में मजबूत थे। उन्होंने विशाल साम्राज्य वो स्थापित किया था। तो चोलों के इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो चोलों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी है वो मिलती है। अब हम चोलों के राजाओं के बारे में देखेंगे। प्रमुख शासक पहला है इलंजेत चेन्नी, यह चोल राजवंश का प्रथम शासक था। उसने अपनी राजधानी उरेयूर में स्थापित की थी। वह युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। तो इलंजेत चेन्नी ये चोल राजवंश का पहला राजा था और उसने अपनी राजधानी उरेयूर में स्थापित की थी। उसने युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। करिकाल ये भी प्रसिद्ध राजा था। यह प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण था। करिकाल था वो चोल शासकों में, प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। तो करिकाल है वह प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इस साम्राज्य की विस्तारवादी शासक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में वर्णी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य शासकों की संयुक्त सेना को पराजित करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो उसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में वणी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य जो शासक थे कि संयुक्त सेना को पराजित करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसकी दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी वह पर दलही के 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को उसने पराजित किया था। संगम साहित्य बताता है कि उसने करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर फुहार, तो करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर फुहार या कावेरी पतनम की स्थापना की थी। उसने फुहार या कावेरी पतनम की स्थापना की थी। शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करने वाला करिकाल संगम युग का सबसे महान और पराक्रमी शासक था। करिकाल ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। तो शक्तिशाली नौसेना कौन सी होती है? पानी में लड़ने वाली सेना। शक्तिशाली नौसेना की स्थापना करने वाला संगम काल का प्रसिद्ध राजा करिकाल था। तो शक्तिशाली नौसेना की स्थापना करने वाला संगम काल का प्रसिद्ध राजा करिकाल ही था। तो वह पराक्रमी था। पट्टिनपाल्य कृति के उल्लेख के आधार पर करिकाल ने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया। उसने उरेयूर को राजधानी उसने बनाया या घोषित किया। उसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी। उसकी प्रशंसा में संगम साहित्य में अनेक कविता की रचना है वो हुई है। उसकी प्रशंसा में, उसके बारे में संगम साहित्य भरा पड़ा है।
अनेक कविताएं हैं वो रची गई थी। ईसा की तृतीय शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास है वो अंधेरे में था। ईसा की तृतीय शताब्दी यानी 300 AD से लेकर 900 AD तक का जो चोलों का इतिहास है वो अंधकारपूर्ण में है, उसके बारे में हमें हमारे पास ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। परंतु 9वीं शताब्दी में पुनः विजयालय को, इसे विजयालय को इसलिए कहा जाता है कि चोल वंश की पुनः स्थापना करने वाला विजयालय, विजयालय है उसको चोल वंश की पुनः स्थापना करने वाला माना जाता है। विजयालय चोल वंश की पुनर्स्थापना करने वाला माना जाता है। चोल वंश की पुनर्स्थापना करने वाला किसे माना जाता है? विजयालय को। तो चोल वंश की पुनर्स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। 9वीं शताब्दी के मध्य ही चोल नरेश विजयालय द्वारा पल्लवों के अवशेषों पर चोल शक्ति का पुनर्धार किया गया था। पल्लवों की शक्ति पर ही चोल शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया था, इसलिए विजयालय को द्वितीय चोल संस्थापक भी कहा जाता है। द्वितीय चोल संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयालय को। तो चोल वंश की पुनर्स्थापना करने वाला माना जाता है। चोल साम्राज्य के उत्थान, हाँ, तो चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा, उसका उत्थान होता रहा। तो 9वीं शताब्दी में विजयालय ने पल्लवों के चिन्हों पर ही चोल वंश की पुनर्स्थापना की थी। यह चोल राजवंश जो चोल साम्राज्य था वो लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक अपने परम वैभव पर रहा। चोल साम्राज्य के उत्थान में भिन्न भिन्न शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। विजयालय मैंने आपको बताया था, इसे द्वितीय चोल संस्थापक भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 से लेकर 871 तक, यानी 9वीं शताब्दी के मध्य में लगभग चोल शक्ति को पुनर्स्थापित करने वाला विजयालय था। विजयालय ने चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। तो विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजोर को छीन लिया और उरियूर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी घोषित किया। तो पांड्य शासकों से उसने तंजोर छीन लिया और विजयालय ने उरेयूर के स्थान पर तंजोर को राजधानी घोषित किया। उरेयूर के स्थान पर उसने तंजोर को अपनी राजधानी घोषित किया। आदित्य प्रथम, ये विजयालय का उत्तराधिकारी था, पुत्र था आदित्य प्रथम, जिसने 871 से लेकर 907 तक शासन किया था। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 में जो तंजोर है उसकी राजगद्दी पर बैठा था। आदित्य प्रथम ने अपनी साम्राज्य की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा से वशीभूत होकर पल्लव नरेश अपराजित को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। तो पल्लव नरेश की उसने हत्या कर दी थी, अपराजित की हत्या कर दी थी। इस तरह पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार है वो हो गया। तो पल्लव राज्य है वो चोलों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। पल्लवों के अतिरिक्त उसने पांड्य और कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया। उसने पांड्य राजाओं को और कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया था। आदित्य प्रथम के बाद प्रांतक प्रथम शासक बना। पांड्य नरेश राजसिंह आदित्य को परास्त कर पांड्यों की राजधानी मदुरे पर अधिकार कर लिया था। मदुरे कोंड की उपाधि को उसने धारण किया था। प्रांतक प्रथम के पश्चात सबसे प्रमुख राजाओं, सबसे महान राजा
अरिमुलिवर्मन अथवा राज राज प्रथम प्रसिद्ध चोल शासक हुआ। राज राज की गिनती महानतम चोल शासकों में की जाती है। महानतम चोल शासकों में राज राज प्रथम की गिनती होती है, जिसे महानतम चोल शासक भी कहा जाता है। तो राज राज प्रथम जिसने अपनी वंश की प्रतिभा को, अपने वंश की प्रतिष्ठा को, वैभव को चरम पर पहुंचा दिया था। राज राज प्रथम के शासनकाल के 30 वर्ष उसने 985 से लेकर 1014 तक। तो राज राज प्रथम 985 से लेकर 985 to 1014 तक राजराज प्रथम ने शासन किया था। राजराज प्रथम के शासन के 30 वर्ष चोल वंश के इतिहास में सबसे गौरवशाली मानी जाती है। इसने अपने पिता में परांतक या पराकांत प्रथम की रक्त और लोह नीति को अपनाया और राजराज की उपाधि को धारण किया। उसने रक्त और लोह नीति को रक्त एवं लोह नीति परांतक प्रथम की रक्त एवं लोह नीति का पालन किया और साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को फैलाया। तो और राजराज की उपाधि धारण की थी। राजराज की उपाधि को उसने धारण किया, राजराजा प्रथम। तो उसका मूल नाम था वो अरिमुलिवर्मन था। लेकिन उसने राजराज की उपाधि को अपने पिता में पराकांत प्रथम की रक्त और लोह नीति का पालन किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राजराज की उपाधि को धारण किया। अपने शासन के 9वें वर्ष में सामरिक अभियान शुरू कर दिए थे उसने। अपने शासन के 9वें वर्ष में उसने सामरिक अभियान शुरू कर दिए। चोल सत्ता के पुनर्धारक राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान किए। उसमें उसको सफलता भी मिली। उसने दक्षिण के पांडे और चेर, पश्चिमी गंगा, उत्तर में कलिंग तक उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को विजित किया था। तो कितने विशाल क्षेत्र को उसने जीत लिया। देखो तो उसने दक्षिण में पांडे और चेर जो उसके दुश्मन थे, पांडे और चेरों का विस्तार जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र तक था, पश्चिमी गंगा के क्षेत्र, उत्तर में कलिंग जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उत्तरी श्रीलंका तक उसने अपनी नौसेना को विजित करके श्रीलंका पर उसने अपनी नौसेना के माध्यम से विजित किया था। श्रीलंका को उसने जीत लिया था। और मालद्वीप जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, मालद्वीप जो प्रमुख द्वीप समूह है, उसको ऊपर उसने विजित किया था। इस अभियान के अंतर्गत उसने चोल विरोधी गठबंधन में चोलों के विरुद्ध जो गठबंधन था उसमें जो शामिल जो 3 ताकतें थी, पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासकों को उसने आक्रमण किया। चोल तो वे स्वयं थे, तो पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासकों पर उसने आक्रमण किया था। उसने जो चोलों के विरुद्ध जो त्रिगुट बना था, जिसमें चेर, पांडे और श्रीलंका के शासक थे, उस पर उसने आक्रमण किया था। इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए उसने चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया था। चेर, पांडे और श्रीलंका के शासक की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित किया। चेरों के बाद राजराज प्रथम ने पांडे शासक अमर भुजंग को परास्त किया। अमर भुजंग उसने पांडे ने मैंने कहा चेर, पांडे और श्रीलंका के जो शासक है उनकी संयुक्त सेना को उसने पराजित किया था। और अलग अलग उसने उन राज्यों को भी पराजित किया। उसने सबसे पहले चेर शासक था भास्कर वर्मन, उसको पराजित किया। इसके बाद में उसने पांडे शासक अमर भुजंग को हरा दिया और मदुरई जो तमिलनाडु में मदुरई पर उसने कब्जा कर लिया था। तो ये उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया था, उसने जो चोल विरोधी गठबंधन में शामिल थे, जो चेर थे पांडे थे और जो श्रीलंका के शासक थे, जो चोलों के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे, तो उसने इस त्रिगुट को पराजित किया। उसने सबसे पहले
सबसे पहले उसने चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया, चेरों के बाद उसने राजराजा ने पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया और मदुरै को जीत लिया था। पांड्य शासक पर अधिकार के बाद राजराज प्रथम ने जो तीसरी शक्ति थी, जो श्रीलंका के चेर चोर चेर पांड्य चेर पांड्य और श्रीलंका के शासक जो चोलों के रूप जो त्रिगुट बना था, तो उस पर अधिकार के राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को आक्रमण किया और उसकी राजधानी जो श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुरी को उसने बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इस अभियान में राजराजा ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों का नाम मामुंडी चोलमंडलम रखा और पोलोनरुवा को उसने अपनी राजधानी बनाया। पोलोनरुवा को उसने अपनी राजधानी बनाया था। संभवतः इस विजय के बाद राजा प्रथम ने जगन्नाथ के विरुद्ध को धारण किया और पोलोनरुवा का नया नाम जगजात मंगलम रखा। तो चेर और पांड्य को पराजित करने के बाद, चेर और चोल नहीं बल्कि पांड्य को पराजित करने के बाद, उसका जो तीसरा शत्रु था वो श्रीलंका का शासक था, वो महेंद्र पंचम था। उसने श्रीलंका पर अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर, आपको पता है नौसेना का निर्माण है वो चोलों की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना में से एक मानी जाती थी, तो उसने समुद्र पार करके अपनी नौसेना के बल पर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया था। उसकी राजधानी अनुराधापुरी को बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस अभियान में राजराजा ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम है वो मामुंडी चोलमंडलम रखा और पोलोनरुवा का उसने राजधानी घोषित किया था। पोलोनरुवा का नया नाम उसने जगजात मंगलम रखा था। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजराजा प्रथम ने मालदीव, तो मैंने आपको कहा था चेर है, पांड्य है, श्रीलंका है, कलिंग है, दक्षिणी गंगा क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त उसने मालदीप जो समुद्र पार का जो द्वीप है मालदीप, तो अपने शक्तिशाली नौसैनिक के बेड़े के बल पर उसने मालदीप को भी विजित किया था। प्रशासकीय सुधारों में राजराजा प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया। उसने सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजराजा प्रथम ने मालदीप को विजित किया। प्रशासनिक सुधारों में राजराज ने भूमि का सर्वेक्षण कराया और स्थानीय शासन को, आपको पता है स्थानीय शासन चोलों की जो स्थानीय शासन की प्रणाली है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। जो स्थानीय शासन वर्तमान में उसकी झलक हमें 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजराजा प्रथम के शासनकाल के दौरान देखने को मिलती है, जिसमें संपूर्ण साम्राज्य को मंडलम, मंडलम को नाडु, बलनाडु, कोट्टयम, कुर्रम में बांटा कर दिया, बांट दिया गया था। तो स्थानीय शासन को उसने प्रोत्साहन दिया था। वह धर्म, साहित्य, कला, परंपरा, मान्यता, भगवान शिव का परम भक्त था। उसने धर्म, सहिष्णु, कला और विद्वता का संरक्षण प्रदान किया। नागपट्टनम में उसने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी और उसने तंजौर में वृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है, वृहदेश्वर या राजराजेश्वर, इसे हम वृहदेश्वर भी कहते हैं, वृहदेश्वर या राजराजेश्वर, राजराजेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजा प्रथम ने, वह धर्म सहिष्णु शासक था, धर्मों के प्रति उदार था, विद्वान था, संरक्षक था। नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी तथा तंजौर में उसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। तो महान चोल राजाओं में उसने अपने तीनों शत्रुओं चेर, पांडे और श्रीलंका के शासकों को पराजित किया था, उनके त्रिगुट को नष्ट किया था। इसके अतिरिक्त उसने मालदीप को भी जीता था, कलिंग को जीता था, इसके अतिरिक्त उसने दक्षिण गंगा के क्षेत्रों को जीता था। उसने अपनी राजधानी में तंजौर में उसने राजराजेश्वर वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था जो भगवान शिव को समर्पित था। तो जैसा मैंने आपको बच्चों बताया है, इसमें राजराजा प्रथम का योगदान को आपको लिखना है। इसके अलावा मैंने जो पॉइंट लिखा है, देखो बेटा ये पॉइंट लिखा है सारे के सारे, मैंने जो पॉइंट लिखाए हैं इनके बारे में आपको लिखना है, इनको याद करना बेटा, इनको लिख कर याद करना है, ये आपका होमवर्क है, इसके समझना है आपको, याद करना है। आज मैंने चोल राजवंश को शुरू कर दिया है, इसको लिख कर याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।